ग्वालियर में एक पिता ने लाइलाज बीमारी से जूझ रही अपनी बेटी की खुशियों की खातिर उसकी शादी अनोखे तरीके से की। आसमान में आतिशबाजी, डीजे की थाप पर थिरकते लोग और ये नज़ारा किसी आम एक खास आदमी की शादी का नहीं है, बल्कि ये नज़ारा अनोखी शादी का है। जी हाँ, ये शादी है भगवान की। भगवान कृष्ण दो दिन पहले ग्वालियर की 26 साल की सोनल राठौर से शादी रचाने आए। लाइलाज बीमारी से जूझ रही सोनल बीते 26 बरस से बेड पर थी। परिवार के लोगों ने हर स्तर पर उसका इलाज कराया, लेकिन जब कोई फायदा नहीं मिला तो बेटी की फिक्र भी है, उसका सामाजिक संस्कार की जिम्मेदारी भी है। लिहाजा पिता ने अपनी बेटी की डोर भगवान के हाथ सौंप दी। बेटी सोनल का रिश्ता भगवान कृष्ण से कर दिया। सोनल के पिता शिशुपाल राठौर का कहना है कि उन्होंने बेटी की शादी उसी धूमधाम से की है जितनी और बेटियों की करेंगे। वहीं भाई भी बहन की शादी से खुश है। ग्वालियर जिले के मोहना के रहने वाले शिशुपाल राठौर व्यवसायी हैं। उनकी बेटी 26 साल से उनकी सोनल गंभीर बीमारी से जूझ रही है। 6 तारीख को उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारों को अचानक फोन किया और अपनी बेटी की शादी में 7 तारीख को आने को निमंत्रित किया। रिश्तेदार भी शादी का निमंत्रण पाकर आश्चर्य में रह गए। कुछ रिश्तेदारों का कहना था कि ऐसा कौन युवक है जो शारीरिक रूप से अक्षम बेटी से शादी कर रहा है, तो लड़की की बुआ ने चहकते हुए कहा कि अरे, वृंदावन से स्वयं कन्हैया जी आ गए हैं। सोनल की बहनें भी खुश हैं, उनकी दीदी न सिर्फ दुल्हन बनी बल्कि भगवान कृष्ण जैसे पति मिले। सोनल की बहन का कहना है कि दीदी की खुशियों के साथ उनको जीजा जी के रूप में भगवान मिले हैं। मेरी बेटी की 26 साल की उम्र है। 5 साल तक बहुत अच्छे से चलती फिरती थी, और उसके बाद जो है 2001 से बीमार हुई। उस बीमारी के बाद में क्या है, जो 2019 तक तो थोड़ी शरीर इसका कपता था, 2019 से बेड रेस्ट हो गई। 26 साल उम्र हो गई है। कुछ लोगों ने हमको बोला कि इसकी शादी करके इसका कुंवारापन हट जाएगा, और भगवान से शादी करने के शादी किस तरह से की, किस तरह से आयोजन हुए, क्या क्या आयोजन हुए, कैसे मन में आपके विचार आया और क्या मन में शादी का विचार आया कान्हा जी से, तो उसकी हमने रूपरेखा सारी जो है ना, बहन हमारे यहाँ जो डलिया लेके आती वो भी लेके आई, हम लोग भी भात मांगने गए। उसके बाद सारे रिश्तेदारों को बुलाया, बुलाने के बाद फिर हमने सारी जो विधियाँ होती हैं शादी की रूपरेखा, सारी रूपरेखाएँ उन्होंने की। बैंड से कान्हा जी की बारात मंगाई बड़ी धूमधाम से, और बेटी की विदाई भी की। विदाई करने के बाद में कान्हा जी को साथ में रखा, पंडित जी को घर पर भामरे वगैरह का सारा प्रोग्राम हुआ, मतलब बहुत अच्छे से धूमधाम से प्रोग्राम किया, मतलब पूरी इच्छा किया, पूरी इच्छा। कितने खुश हैं आज इस आयोजन के बाद? खुश तो साहब जो आप भगवान के भरोसे हमने जो है ना बेटी को छोड़ा है, अब वो उन्हीं के भरोसे है, उसकी बीमारी है जो भी कुछ है वो ही देखेंगे। अच्छा, आपके परिवार में ये पहले भी किसी को हुई है? नहीं, हमारे परिवार है, हमारी याद में तो नहीं है। बेटा जैसा आप बता रहे थे, बेटा इससे पहले था, वो 7 साल का होकर ख़त्म हो गया था, उसके दूसरे दिन ही ये बीमार हो गई थी। जब से इसको वही बीमारी इसको जो है जेनेटिक, बातचीत करती नहीं है, क्या नहीं करती, क्या बातचीत तो करती है, लेकिन शरीर उसका बिल्कुल रह गया उसका। ठीक है, शादी बहुत अच्छी तरीके से हुई। एक्चुअली मैं भी विश्वास नहीं मान रहा था कि इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा, और सारी रस्में हुई, मेहंदी, हल्दी, माता पूजन और धान बुवाई जो होती है वो मैंने की, और डीजे से बारात लेके आना, सब जो पूर्ण रूप से जैसे कि शादी होती है पूरी तरह से वो हमने की, और काफ़ी खुशी है, काफ़ी विश्वास है हमारे बाके बिहारी जी पे, कान्हा जी पे, कि हमारी बहन बहुत जल्द ठीक भी होगी। अच्छा, ये बताइए क्या लिया है? बिल्कुल बिल्कुल संकल्प लिया है कि हम जीवन भर उसकी रक्षा करेंगे, और आज तक करते भी आ रहे हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब पूर्ण रूप से मैं बहुत खुश हुई थी कि मेरी दीदी की शादी हो गई, मेरे जीजू आ गए हैं, मेरा बहुत हैप्पी हुई मैं बहुत ज़्यादा ही। नहीं, कभी नहीं लगा, ये दो दिन पहले ही हम लोगों ने फैसला लिया था, कभी हम लोगों को ये लगा नहीं कि शादी होगी। बहुत इंजॉय किया, सब किया, डांस वगैरह बहुत ज़्यादा ही इंजॉयमेंट किया था, जितनी उम्मीद नहीं थी ना उतना हैप्पी हुए थे हम लोग।
कैसे लगता है? खुशियाँ तो बहुत सारी बनी थी, बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल था, इतना सोचा भी नहीं था इतनी ज़्यादा खुशियाँ हुई थी। और फिर जितना अरेंजमेंट हो सका था, दो दिन में बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट हो गया था। ऐसे औरों की शादी में साल सालों से वो होता है, लेकिन दीदी की शादी में दो दिन में अरेंजमेंट हो गए थे। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे जीजू आ गए, फर्स्ट जीजू हैं मेरे। हाँ, सारी सारी रस्में की थी, हल्दी की, मेहंदी की और माता पूजन, भात वगैरह, फलदान भी हुआ था कृष्ण जी का, सारी रस्में की। सोनाली दीदी, दीदी आपको क्या हाल है बहन जी? क्या एक तो टीवी है थोड़ा, क्या बाहर लोगों को देख के ना थोड़ा सा इतने सारे लगी, पहले तो उसके बाल बाल भी जब क्या थोड़ा क्या मम्मी भी कुछ भी दी, ऐसा नहीं है जी, मुंह बंद करो। नहीं नहीं, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो काफी व्हील चेयर पे बैठ नहीं पाती, लेकिन जिस दिन वो अपने आप से ठीक करेगी, वो उनकी जवाबदारी बन गई ना, बस आपने अपनी जवाबदारी उनको सौंप दी। अब वो अपने आप से करेंगे, वो तो शक्तिशाली है। कुबड़ा को उन्होंने खड़ा कर दिया था, कुबड़ी को जो थी जाके, तो दो मिनट में उन्होंने खड़ा कर दिया। डॉक्टर को बुला वाले लोग बताया भी था कि परिवार में से होती है।